हाइड्रोलिक प्रेशर के इतने सारे एप्लीकेशंस है कि कुछ तो पूरे के पूरे यूट्यूब चैनल ही इन पर बने हुए हैं और उनको देखने में हमें मजा भी बहुत आता है। मिलियंस ऑफ व्यूज मिलते हैं हर वीडियो पर। और यही है वह हाइड्रोलिक मशीन जिसमें पता नहीं क्या क्या तोड़ा जाता है। यह तो सिर्फ एक एप्लीकेशन देखा है हमने। और इस मशीन को हम कैसे भूल सकते हैं, श्रीडर मशीन। इसमें भी तो क्या कुछ नहीं तोड़ा गया। वैसे यह सभी हाइड्रोलिक वाली नहीं होती है, इनमें से कुछ ही हाइड्रोलिक प्रेशर वाले होते हैं। जो ऐसी भारी मशीनें होती है जो लोडिंग वाली होती है, जिनमें सबसे पहले नाम आ जाता है जेसीबी और क्रेन्स का, इनको हम कैसे भूल सकते हैं, सबके चहेते हैं ये तो। इसके अलावा कुछ हेवी लोडिंग वाले ट्रक, ट्रॉली और जो हाइड्रोलिक जेक होता है जो गाड़ी को उठाता है, वह भी बहुत ही पावरफुल होता है और यह इतने हेवी वेट को हाइड्रोलिक प्रेशर से ही उठाते हैं। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। इन हाइड्रोलिक प्रेशर को चलाने के लिए कुछ में मोटर यूज होती है और कुछ में इंजन यूज होता है, और इनमें से कोई भी मोटर और इंजन में इतनी पावर नहीं होती है कि यह इतना वजन उठा सके या ऐसा कुछ तोड़ सके। उठाना तोड़ना तो दूर की बात है, इन मोटर और इंजन में 10% पावर ही नहीं होती है। है ना कमाल की बात। तो फिर इन छोटे छोटे इंजन और मोटर से यह हाइड्रोलिक प्रेशर इतना पावरफुल कैसे बन जाता है? तो यहाँ पर हम दो चीजें डिस्कस करने वाले हैं, एक तो हाइड्रोलिक प्रेशर का प्रिंसिपल और दूसरा हाइड्रोलिक प्रेशर वाले पंप को जब किसी जेसीबी या फिर इस तरीके से सेट कर दिया जाता है तो वह किस तरीके से थोड़े से प्रेशर से इतना ज्यादा हाई प्रेशर बनाता है। हाइड्रोलिक प्रेशर में काम करता है पास्कल्स लो। यह लो हमें यह बताता है कि यदि हमारे पास में कोई ऐसा लिक्विड है जिसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता, उस पर हम प्रेशर डालते हैं तो वह सभी डायरेक्शन में इक्वल प्रेशर लगाता है। चलो थोड़ा इसको और आसान करते हैं। इस तरीके के दो सिलेंडर हम लेते हैं, इधर वाला सिलेंडर छोटा है और इधर वाला बड़ा है। इन दोनों सिलेंडर में हम ऑयल भर देते हैं जिसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते, और दोनों सिलेंडर में यहाँ पर पिस्टन लगे हुए हैं। जैसे हमारे घर में जो गैस सिलेंडर यूज होता है उसमें गैस को कंप्रेस करके भरा जाता है, लेकिन जो हमारा पानी है उसको यदि हम उसी सिलेंडर में भरेंगे तो हम उसको कंप्रेस नहीं कर सकते, बिल्कुल थोड़ा बहुत जो ना के बराबर होता है। तो कुछ इसी टाइप का लिक्विड ऑयल हम इन दोनों सिलेंडर में काम में लेते हैं। अब पास्कल लो कहता है कि यदि हम इस छोटे वाले पिस्टन पर प्रेशर लगाएंगे तो इसके अंदर जो हमने ऑयल भरा है वह उतना ही प्रेशर इधर बड़े वाले पिस्टन पर लगाएगा। कहने का मतलब इस ऑयल पर जितना प्रेशर आया उसने इस पूरे के पूरे प्रेशर को इधर ट्रांसफर कर दिया। देखो यहाँ पर आगे थोड़ी एकदम सिंपल सी कैलकुलेशन यूज हुई है, यदि आपने कभी पढ़ाई नहीं भी की है तो आप उसको आसानी से समझ जाओगे, पर कंटिन्यू देखते रहना। प्रेशर का एक फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। इस फॉर्मूले को हम थोड़ा आसान करते हैं। यह जो इधर छोटे वाला सिलेंडर है इस पर हम कुछ ना कुछ फोर्स लगाते हैं। मान लेते हैं हम फोर्स लगाते हैं 10 न्यूटन का। न्यूटन फोर्स की यूनिट होती है। चलो थोड़ा और सिंपल करते हैं इसको। 10 न्यूटन को छोड़ो, आप तो यह मान लो कि यह 10 किलो का वजन हम इधर इस पिस्टन पर रख देते हैं, तो इधर छोटे वाले पिस्टन पर अब 10 किलो वजन जितना फोर्स लग रहा है। अब जब 10 केजी का वजन इस छोटे वाले पिस्टन पर लग रहा है तो इस पिस्टन का कुछ ना कुछ एरिया भी होगा, और मान लेते हैं यह छोटा सिलेंडर है तो इसमें छोटा पिस्टन है और छोटा पिस्टन का एरिया 2 मीटर स्क्वायर है। अब यदि हम इस फॉर्मूले से प्रेशर निकालेंगे तो हमने फोर्स 10 केजी वजन जितना लिया है और एरिया 2 मीटर स्क्वायर, तो फॉर्मूले में वैल्यू रख देते हैं और इसे काट पीट कर सोल्व करते हैं तो हमको प्रेशर मिल जाएगा 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। है ना एकदम आसान। चलो अब बड़े वाले सिलेंडर पर आते हैं। हमारे पास में प्रेशर आया 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब पास्कल लो तो यही कहता है कि यही 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का प्रेशर बड़े वाले सिलेंडर पर भी लगेगा। तो इसी फॉर्मूले में प्रेशर को रख लेते हैं 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और अब यदि सिलेंडर बड़ा है तो इसका एरिया भी बड़ा होगा, और मान लेते हैं इसका एरिया है 10 मीटर स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले के हिसाब से आप मुझे यह बताओ कि यहाँ पर मैं कितना वेट रखूं ताकि मेरा प्रेशर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ जाए। तो एकदम सिंपल सी बात है, 50 रखूंगा तो 50 डिवाइडेड बाई 10, और मेरे को प्रेशर मिल जाएगा सेम टू सेम वही 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो फिर यह तो गजब हो गया। मैंने तो इधर सिर्फ फोर्स लगाया था 10 केजी का, और इस बड़े वाले सिलेंडर में मुझे फोर्स मिल रहा है 50 केजी उठाने का। यानी मेरे हाइड्रोलिक प्रेशर ने 10 किलो वजन से 50 किलो वजन उठा लिया। मैंने सिर्फ क्या किया, सिर्फ एरिया को बढ़ाया और मेरे हाइड्रोलिक प्रेशर की वजन उठाने की कैपेसिटी बढ़ गई। अब इस चीज की कोई भी लिमिट नहीं है, आप इस बड़े वाले सिलेंडर को कितना भी बड़ा कर सकते हो, और जितना हम एरिया बढ़ाते जाएंगे उतना ही हमारे हाइड्रोलिक प्रेशर की वजन उठाने की कैपेसिटी
कैपेसिटी बढ़ती जाएगी, लेकिन जितनी हमारे पास में हाइड्रोलिक प्रेशर को सेट करने की जगह है उसी के हिसाब से बड़े वाले सिलेंडर के एरिया को बढ़ाया जाता है। यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है कि जब छोटे वाले सिलेंडर में पिस्टन काफी नीचे तक आ जाता है तब बड़े वाला सिलेंडर थोड़ा सा हिलता है, क्योंकि बड़े वाले सिलेंडर का एरिया बड़ा है और छोटे वाले सिलेंडर का एरिया कम है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इसी प्रिंसिपल को यूज में लेकर हम यह देखते हैं कि जब इस हाइड्रोलिक पंप को किसी जेसीबी या क्रेन में इंस्टॉल कर दिया जाता है तो यह कैसे काम करता है। यहाँ पर टोटल मेन 4-5 कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहले होता है ऑयल टैंक। जैसे कोई जेसीबी या फिर क्रेन है तो उसमें बहुत सारे हाइड्रोलिक प्रेशर वाले पंप लगे रहते हैं, तो उसमें बड़ा ऑयल टैंक होता है जिसमें ऑयल भरा रहता है। उसके बाद में आता है पंप। यह पंप इस ऑयल टैंक से ऑयल को पंप करता है और इस पंप को रोटेट करवाने के लिए या तो 3-phase इंडक्शन मोटर की जरूरत पड़ती है या फिर यहाँ पर कोई इंजन भी हो सकता है। जैसे जेसीबी में इंजन से ही इस पंप को घुमाया जाता है। और लास्ट में आता है यह सिलेंडर जिसमें पिस्टन लगे रहते हैं किसी भी वजन को उठाने के लिए। अब जब यह पंप घूमना शुरू करता है तो यह ऑयल को इन पाइप्स की हेल्प से प्रेशराइज करने लग जाता है और यह ऑयल ऊपर उठता है धीरे धीरे। लेकिन यहाँ ऊपर से दोनों सिलेंडर वाले वाल बंद है, तो जब यह दोनों वाल बंद रहते हैं और यहाँ पर प्रेशर ज्यादा बढ़ जाता है तो यह प्रेशर रिलीजिंग वाल ओपन हो जाता है और ऑयल वापस टैंक में जाने लग जाता है, यहीं पर घूमता रहता है। और यह जो कंडीशन होती है यह न्यूट्रल कंडीशन होती है हाइड्रोलिक प्रेशर की। लेकिन जैसे ही मैं इस लीवर को घुमाता हूं तो लीवर अप हो जाता है और मेरा ए वाल और बी दोनों अब ओपन हो जाते हैं और नीचे की तरफ यह जो PRV वाल है यह बंद हो जाता है। तो यहाँ पर पंप घूम रहा है और अब यह ऑयल ऊपर जाने लग जाएगा और वाल ए से ऑयल जाता है धीरे धीरे सिलेंडर के अंदर और सिलेंडर में जो पिस्टन है उन पर फोर्स लगाता है और इस पिस्टन पर यदि कोई भी वजन है तो उसको धीरे धीरे यह उठाने लग जाता है। अब जब ऑयल प्रेशर से आता है तो वह जो पंप के अंदर ऑयल है उस पर भी प्रेशर लगता है और ऑयल वापस इधर से बाहर निकलता है इस सिलेंडर से और इस वाल बी से होते हुए घूमते घूमते टैंक में वापस चला जाता है। तो इस तरीके से सिलेंडर वाले पिस्टन पर यदि कोई भी फोर्स या वेट रखा हुआ है तो उसको वह उठा लेगा। अब इसके आगे कंडीशन आती है जब हम लीवर को वापस डाउन करते हैं, तो इस केस में वाल बी से ऑयल जाता है सिलेंडर के अंदर और पिस्टन के ऊपर फोर्स लगाता है और पिस्टन को वापस डाउन लेकर आता है और इधर नीचे वाले पॉइंट से सिलेंडर से वापस ऑयल बाहर निकलता है और वाल ए के पास में आता है और इधर से घूमते घूमते वापस ऑयल टैंक के अंदर ऑयल चला जाता है और हमारा पिस्टन वापस डाउन पोजिशन में आ जाता है। तो इस तरीके से यह जो पूरा हाइड्रोलिक प्रेशर होता है यह काम करता है और इसके पीछे जो पास्कल्स लॉ है वह काम करता है। तो मेरे ख्याल से आपको हाइड्रोलिक प्रेशर की वर्किंग और प्रिंसिपल दोनों अच्छे से समझ में आए होंगे और मैं आपसे यही कहूंगा कि चैनल पर विजिट कीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस की हेल्प से साइंस को बहुत ही आसानी से आप समझ सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।